तुम आगे बढ़ो और उठाओ। बुजुर्गों ने सिखाया है कि बेटा कुछ भी करना, लड़कियों की कोई बात कभी मत मानना। कहीं डर तो नहीं गए? नहीं। तब तो मुझे कुछ ज्यादा ही कोशिश करनी होगी। देखा, तुम्हारी बात मानी होती तो। उठाओ उसे, उठाओ उसे। जाओ, जब तुम जाने को ना कहो नहीं जा सकती। जाओ काल, जा देखो, क्या अपनी सांसे की नस शुरू करो आना। हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर की मदद से ड्रैकुला एक मरे हुए इंसान को जिंदा करता है। इसको जिंदा करने में डॉक्टर का दिमाग और ड्रैकुला का पावर दोनों इस्तेमाल होता है। जिंदा होने वाला आदमी बिल्कुल शैतान की तरह लगता है। दूसरी तरफ गांव वालों को पता चल जाता है कि डॉक्टर एक शैतान बना रहा है, तो सभी उस डॉक्टर को और शैतान को मारने के लिए किले की तरफ बढ़ रहे थे। डॉक्टर बहुत खुश होता है अपनी कामयाबी पर तभी ड्रैकुला उसे बताता है कि वह उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। इसका इस्तेमाल करके वह एक नई दुनिया बनाना चाहता है। यह सुनकर डॉक्टर ड्रैकुला को रुकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था। वह डॉक्टर को मार देता है। तभी वह शैतान भी जाग जाता है और अपने जन्म देने वाले डॉक्टर को लेकर किले के बाहर भाग जाता है। भागते भागते वह लकड़ी के टावर के अंदर चला जाता है। उधर डॉक्टर का असिस्टेंट जो ड्रैकुला से मिला होता है, वह लोगों को बताता है कि वह शैतान डॉक्टर को लेकर टावर के अंदर गया है। वह सभी लोग उस टावर की ओर जाते हैं और सभी गांव वाले उस टावर में आग लगा देते हैं, जिससे वह टावर और शैतान दोनों उसी आग में गिर जाते हैं। तभी ड्रैकुला उड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है। उसकी तीनों रानियां भी उड़कर उसके पास आ जाती हैं। वह उस जगह पर आता है जहां डॉक्टर चल रहा होता है। यह देखकर वह ड्रैकुला बहुत उदास हो जाता है। उसकी तीनों रानियां भी रो रही थी क्योंकि वह शैतान को बचा नहीं पाया था। वह शैतान को क्यों बचाना चाहता है, इसको हम आगे देखेंगे। अब ये कहानी शिफ्ट होती है एक साल बाद, जहाँ पर हमें वैन हेलसिंग दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर किलर है। वह मॉन्स्टर को पकड़कर उसे मारता है। यहाँ पर वह एक मॉन्स्टर को पकड़ने आया था, तभी वह मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। वैन हेलसिंग भी उससे लड़ता है, आखिर में वह मॉन्स्टर को मार देता है। उसे मारने के बाद वैन हेलसिंग
एक चर्च में वापस आ जाता है। यहाँ पर वह एक पादरी से मिलता है। पादरिया में अच्छाई कायम रखने के लिए मॉन्स्टर को मारने का काम कर रहे थे। वैन हेल्सिंग भी इन्हीं के लिए काम कर रहा था। तभी पादरी वैन हेल्सिंग को बताता है कि तुम्हारा अगला टारगेट ड्रैकुला है। यह ड्रैकुला तमाम मॉन्स्टर का राजा है। पादरी यह भी बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई हर वक्त ड्रैकुला को मारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ड्रैकुला बहुत ताकतवर है। तुम्हें जाकर उनके साथ लड़ना पड़ेगा। इस लड़की एना का खानदान पिछले 4 सालों से उस ड्रैगन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन वह अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। अब इनके खानदान में एना और उसका भाई ही रह गया है। वैन हेल्सिंग इस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। तभी वैन हेल्सिंग एक दूसरे पादरी से मिलता है जो उसे तरह तरह के हथियार देता है जिससे वह मॉन्स्टर को मार सकेगा। इसमें से सबसे अच्छी तीर छोड़ने वाली हथियार लगती है। वह उस पादरी को भी अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम एना और उसके भाई को एक वेयरवुल्फ को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी वह उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। जब भेड़िया एना पर अटैक करता है तो उसका भाई एना को हटाकर उसके सामने आ जाता है। तो भेड़िया और एना का भाई दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। यह देखकर एना रोने लगती है क्योंकि उसका भाई मारा जाता है। कुछ दिनों बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसविल सिल्वेनिया में पहुंच जाता है जहां गांव वाले उसे पसंद नहीं करते। तभी उस गांव पर ड्रैकुला की तीनों पत्नियां हमला कर देती हैं। एना भी उसी गांव में होती है। ड्रैकुला की पत्नी उसे पकड़कर उसका खून पीना चाहती है। यह देखकर वैन हेल्सिंग उनसे लड़ने लगता है। यहाँ बहुत मज़ेदार लड़ाई होती है। तभी वैन हेल्सिंग का हथियार गिर जाता है, लेकिन वह अपने हथियार से एक को मार देता है जिसे देखकर दोनों पत्नियाँ डर कर वहाँ से भागकर ड्रैकुला के पास चली जाती हैं। एना ने जब यह सब देखा तो वह ड्रैकुला से अकेले ही मारने के लिए जाने लगती है। वैन हेल्सिंग जानता था कि एना अकेले उनका सामना नहीं कर पाएगी और मारी जाएगी, इसलिए वह एना को बेहोश कर देता है जिससे उसकी जान बच सके। एना जब होश में आती है तो वह पर एक भेड़िया आ जाता है जो उस पर अटैक करता है। वहां हमें दिखाया जाता है कि भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई था। स्टोरी में पीछे जाकर हम देखते हैं कि जब भेड़िए ने उसके भाई पर हमला किया था तो वह खाई में गिरने से पहले भेड़िए ने उसे काट लिया था जिससे उसका भाई भी भेड़िया बन जाता है। भेड़िया जिसको का भी काटता था वह भेड़िया बन जाता था जिससे एना का भाई भी आधा इंसान और आधा भेड़िया बन जाता है। वह एना को बताता है कि ड्रैकुला के पास मेरा इलाज है, मैं ड्रैकुला के काबू में हूँ। तभी वहाँ वैन हेल्सिंग आ जाता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह भेड़िया बनकर वहाँ से भाग जाता है। वैन हेल्सिंग और एना उसका पीछा करते हुए ड्रैकुला के महल तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ड्रैकुला के तमाम अंडे रखे हुए हैं जिनसे वह बच्चे बनाना चाहता है जिससे उसकी आर्मी बन सके, और इसे बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की एनर्जी चाहिए जिससे कि बच्चे बन सकें। इधर एना का भाई को ड्रैकुला ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया ताकि वह इसकी एनर्जी से बच्चों को ज़िंदा कर सके, और कुछ बच्चे ज़िंदा भी कर लेता है जो जिंदा होते ही गांव की तरफ जाते हैं जिससे वे लोगों का खून पी सकें। दूसरी तरफ पहली बार वैन हेल्सिंग और ड्रैकुला
का आमना सामना होता है, लेकिन मौका पाते ही वह एना को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर ड्रैकुला जो एना के भाई पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वह फेल हो जाता है, जिससे उसके जो बच्चे जिंदा हुए थे वह भी मर जाते हैं। ड्रैकुला को हार का मुंह देखना पड़ता है। वैन हेल्सिंग और एना भागते हुए लकड़ी के टावर के पास पहुंच जाते हैं। यह वही टावर था जो शुरू में दिखाया गया था, जहां पर शैतान और डॉक्टर को लेकर गया था। तभी वैन हेल्सिंग देखता है कि वह शैतान अभी भी जिंदा है। वह शैतान कहता है, मुझे मार दो, अगर मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया तो वह मेरे द्वारा अपना मकसद पूरा कर लेगा। मैं ही एक ऐसा हूँ जिससे वह अपने बच्चे जिंदा कर सकता है, क्योंकि मेरी पावर के बगैर ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे मार दो। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता है, क्योंकि वह देखता है कि यह एक अच्छा शैतान है। वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वह परेशान है। तभी उनकी सारी बातें एक वेयरवुल्फ सुन रहा होता है। वह उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर वह भाग जाता है और ड्रैकुला को सब बता देता है कि वह शैतान अभी जिंदा है, जिसकी मदद से तुम अपने बच्चों को जिंदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। दूसरी तरफ एना शैतान को मारना चाहती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे रोक देता है। वह कहता है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, जहां यह सेफ रहेगा और ड्रैकुला उससे कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वैन हेल्सिंग उस शैतान को एक गाड़ी में बैठा कर जाने लगता है। जाते हुए रास्ते में ड्रैकुला की दोनों पत्नियां उन पर हमला कर देती हैं। वैन हेल्सिंग को पहले से पता था कि रास्ते में हमला होगा, इसीलिए उसने एक ट्रैप भी लगाया था, जिस ट्रैप में ड्रैकुला की एक और पत्नी मारी जाती है। तभी एना का भाई भी भेड़िया बनकर इन पर अटैक कर देता है। वह उसे मार तो देता है, लेकिन वह भेड़िया उसे काट लेता है। तभी ड्रैकुला की तीसरी पत्नी एना को उठाकर वहां से ले जाती है और वैन हेल्सिंग से कहती है कि अगर एना को चाहते हो तो उस शैतान को हमारे पास लाना होगा। वैन हेल्सिंग इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है, हम सौदा करेंगे। आने से पहले वैन हेल्सिंग शैतान को एक जगह छिपा कर आता है। फेस्टिवल से बड़ी मुश्किल से वैन हेल्सिंग एना को बचाता है। वहां से जाने ही वाला होता है, तभी ड्रैकुला के आदमी उस शैतान को लेकर वहां पर आते हैं, जबकि वैन हेल्सिंग ने उसे छिपा दिया था, लेकिन वे लोग उसे ढूंढ लेते हैं। वह शैतान को एक नाव में बैठा कर ले जा रहे होते हैं। तभी वैन हेल्सिंग उनका पीछा करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता। तभी वैन हेल्सिंग पर भेड़िया हावी होने लगता है, उसे उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, लेकिन वह अभी पूरी तरह से भेड़िया नहीं बना होता है, क्योंकि भेड़िया बनने के लिए चांदनी रात का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन दो दिन बाद चांदनी रात होने वाली होती है, जिस रात वह पूरी तरह से भेड़िया बन जाएगा। इसके बाद दोनों एना के महल में आ जाते हैं, जहां पर वह एक दीवार को देखते हैं। एना उन्हें बताती है कि हमारे पूर्वज इस दीवार को बार बार देखा करते थे, शायद यह ड्रैकुला तक पहुंचने का कोई रास्ता है। वैन हेल्सिंग उसे गौर से देखता है तो उसे एक जगह पर कवर फटा हुआ दिखता है। तभी उसे याद आता है कि आते समय पादरी ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया था, जिससे वह दरवाजे पर लगाता है, जिससे वह दरवाजा खुल जाता है। वह सीधा ड्रैकुला के महल में पहुंच जाता है, जहां पर वह शैतान को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वह नाकाम रहते हैं। शैतान जाते जाते बताता है कि वैन हेल्सिंग, तुम्हारे भेड़िया ना बनने का इलाज ड्रैकुला के पास है। उसके पास एक इंजेक्शन है, जिसे अगर तुम अपने आप को लगा लोगे तो भेड़िया के असर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा और तुम कभी भी भेड़िया नहीं बनोगे।
वह इंजेक्शन ड्रैकुला अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि ड्रैकुला को सिर्फ भेड़िया ही मार सकता है, इसीलिए उसने वह इंजेक्शन संभाल कर रखा है जिससे अगर कोई भेड़िया उस पर हमला करे तो वह इससे इंजेक्शन लगाकर इंसान बना दे। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ड्रैकुला ने वह इंजेक्शन अपने पास रखा है। उसके बाद वैन हेलसिंग उस शैतान को बचाने जाता है और गहना और वह पादरी वैन हेलसिंग के लिए इंजेक्शन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जिससे वह वैन हेलसिंग को बचा इलाज कर सके। तभी ड्रैकुला की तीसरी पत्नी वहां आ जाती है, वह इन दोनों पर अटैक कर देती है। तभी एना और पादरी उसका मुकाबला करते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैकुला की पत्नी एना को पकड़ लेती है और लड़ाई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शैतान पर को एक्सपेरिमेंट के लिए बांध दिया जाता है जिससे ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा किया जा सके। तभी वैन हेलसिंग शैतान को छुड़ाने ही वाला होता है, तभी ड्रैकुला की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह वैन हेलसिंग को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ वह शैतान इस पर बिजली के झटके से आज़ाद हो जाता है और नीचे की तरफ जाकर सीधा ड्रैकुला की पत्नी के ऊपर गिरता है जो एना को मारने वाली होती है। शैतान के गिरने से उसकी तीसरी पत्नी भी मर जाती है। आज पूरे चांद की रात होती है और वैन हेलसिंग इंसान से एक भेड़िए बन जाता है जो बहुत ही खूंखार लगता है। अब वह ड्रैकुला से लड़ने लगता है। ड्रैकुला भी अपनी वैम्पायर के रूप में आ जाता है और काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं। काफ़ी देर बाद ड्रैकुला वैन हेलसिंग को मारता है तो कभी वैन हेलसिंग ड्रैकुला को। आखिर में वैन हेलसिंग ड्रैकुला की गर्दन में काट लेता है जिस कारण ड्रैकुला वहीं पर मर जाता है। उसके मरते ही ड्रैकुला के सारे बच्चे भी मरने लगते हैं। तभी एना देखती है कि वैन हेलसिंग भेड़िया बन चुका है। एना के पास वह इंजेक्शन होता है जिससे वैन हेलसिंग को ठीक हो सकता है, तो वह उसे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वैन हेलसिंग खतरा समझकर वह एना पर हमला कर देता है। एना वहीं पर मर जाती है। वैन हेलसिंग ने एना को मार दिया था, लेकिन मरने से पहले एना वह इंजेक्शन उसे लगा देती है। वैन हेलसिंग अपनी गलती पर बहुत पछताता है। वह एना को पकड़कर रोता है। उसके बाद वह एना की डेड बॉडी को आग के हवाले कर देता है। जब वह बादलों की तरफ देखता है तो उसे यहाँ एना का चेहरा दिखाई देता है जो मुस्कुरा रही थी। वैन हेलसिंग भी मुस्कुराता है और मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर